Hey guys, welcome back to my channel. तो आज तीज है एंड तीज का जो ये मेरा लुक है, ये लुक मैं आज आप लोग के सामने क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम बढ़ते हैं इस वीडियो पे, कोई भी बिना बकवास किए हुए। सो मैंने अपने जितने भी सामान है अपने बगल में रख लिया, मतलब ज्वेलरी, ड्रेस एंड स्किन केयर एंड मेकअप, एवरीथिंग। एंड लेट्स गेट स्टार्ट द मेकअप। बस मैं अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लूंगी ताकि हमारा मेकअप बहुत अच्छा हो। इस मेकअप लुक में मैं अपने ऑल फेवरेट प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ एंड दिस इज माय मेकअप वैनिटी। इसमें जहाँ जाती हूँ इसमें लेके जाती हूँ मेकअप। मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें बहुत ही अच्छे से रहता है मेकअप, कोई भी सामान कुत्ता वगैरह नहीं है। तो इसलिए अब मैं इसको खोलती हूँ एंड जितना भी मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी ऑल आर माय फेवरेट। फर्स्ट इज प्राइमर, मैं यहाँ पे इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर यूज कर रही हूँ, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही लाइट वेट है, प्लस ऑयल फ्री है एंड काफी स्मूथ फिनिश देता है। मुझे लैक्मे वाला भी प्राइमर बहुत ज्यादा पसंद है बट ये अभी ये यूज करूँगी। के लिए I'm gonna use Maybelline Fit Me 220, ये मेरा शेड है। बहुत ही लिटिल बिट यूज करूंगी क्योंकि पूजा दिन का है एंड दिन के पूजा में या फिर किसी चीज में मुझे इतना मेकअप करना पसंद नहीं है। लिटिल बिट बस मेरा स्किन इवन टोन हो जाए बस, क्योंकि कहीं जाना वाना तो है नहीं, घर में पूजा करना है तो देखने वाला वगैरह है नहीं, तो फिर क्या इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। पता नहीं मुझे सेटिंग स्प्रे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो रिजल्ट देखा है। एंड ये सिस ब्यूटी का फिक्सर जस्ट 180 रुपीज का है एंड काफी ज्यादा अच्छा है। इसे प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड इसका मुझे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये जो फिक्सर है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस पूरा अच्छा से रेडी हो गया है, पूरा अच्छा से। उसके बाद मैं उसमें कुछ भी करूँ एकदम मेरा स्किन कलर जैसा, स्किन टोन जैसा लगता है। मैं फिक्सर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अप्लाई करती हूँ एंड फॉर द कॉम्पैक्ट, यहाँ पे मेबेलिन का फिटमे का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। सो फॉर द पाउडर एंड ब्लश मुझे ब्रश काफी ज्यादा मेरा फेवरेट है। इस टाइप के मतलब पाउडर ब्रशेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, काफी इजी टू यूज है एंड काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है अप्लाई करने में। कॉम्पैक्ट डन एंड मैं मेकअप भी बहुत ही सिंपल सा करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं शुगर का आईब्रो पेंसिल यूज करने वाली हूँ, ये मैंने नया लिया है बट मैंने काफी इसका रिव्यू देखा है, काफी ज्यादा अच्छा है। सो लेट्स ट्राई इट, बहुत ही थोड़ा सा यूज करूंगी। Now it's time for the blush and contour. मैं मेकअप में इतना ही करती हूँ, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ब्लश, कॉन्टोर वगैरह, कंसीलर वगैरह मैं उतना अप्लाई नहीं करती क्योंकि मुझे उतने डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स के प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉन्टोर मैं जरूर करती हूँ, मुझे काफी ज्यादा कॉन्टोर पसंद है। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे माइग्लैम का पोज यूज करने वाली हूँ। ब्लश मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब मेरे स्किन टोन फेस का ब्लश बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है। शैडो के लिए स्विस ब्यूटी का आई शैडो पैलेट यूज करने वाली हूँ, काफी मिनिमल ही रखूंगी मैं। यहाँ पे मैंने ये शुगर का ग्लिटर यूज किया है बीच में, इट्स लाइक अ लिक्विड ग्लिटर है ये एंड काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने जस्ट अपने आईलेट के बीच में ही अप्लाई किया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द आईलाइनर एंड मस्कारा। दोनों ही मैं मेबेलिन का ग्लॉसर यूज करने वाली हूँ, ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। मेकअप मेरा डन हो गया है, लास्ट बचा है लिपस्टिक। लिपस्टिक में मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे मैट एंड लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज माय फेवरेट लिपस्टिक, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो इसी को मैं अप्लाई करूंगी। इट्स लाइक अ रेडिश पिंक है ये, तो मेरे आउटफिट के साथ भी बहुत ही अच्छे से जाएगा, मेरा आउटफिट भी पिंक कलर का ही है। चलिए मैं हेयर स्टाइल, ज्वेलरी सब पहन के मैं आप लोग के पास आती हूँ। तो माई हेयर्स आर डन, मैंने हेयर्स ऐसे किया स्टाइल, इसको मैं जूड़ा बनाऊंगी। अभी मैंने खोल के रखा है जब तक मैं ज्वेलरीज वगैरह ना पहन लूँ। एक्चुअली मैंने चूड़ा ऑर्डर किया था, मेरा आया नहीं है, मीशो से मैंने किया था, अभी तक आया ही नहीं है। कल उसका डिलीवरी डेट है, मीशो में हमेशा जल्दी आ जाता है तो मुझे लगा कि आ जाएगा बट अभी तक आया नहीं है। तो मैं पहले वाला जो चूड़ा है मेरा, मैं वही पहनने वाली हूँ।
ये वाला मैं पहनने वाली नेक पीस। मुझे मेरी पुरानी चूड़ियों से ही काम चलाना पड़ेगा। पहले मैं नाक का पहन लेती हूँ। नाक का मैंने इस बार थोड़ा यूनिक लिया है। आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस। मुझे तीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तीज वन ऑफ माय फेवरेट त्यौहार है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तैयार होना वगैरह, एंड अगर ऐसा कुछ मौका मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो वाओ, दैट्स लुक प्रिटी, ओह माय गॉड, हाउ इज दिस गाइस। सो मैंने चूड़ी पहन लिया है। चलिए मैं साड़ी पहन के आप लोग के सामने आती हूँ।